स्वागत है सभी का मेरे इस चैनल में। मैं हूं अनुज कुमार। वीडियो में बात करने वाला है कि बहुत सारे स्टेट में एमबीबीएस का सीट इंक्रीज हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे, कैसे काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग कब होगा, ईडब्ल्यूएस के काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। सारे डिटेल्स, बहुत सारे क्वेश्चन है, उस सब पे बात करेंगे। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देखिए लास्ट सब्सक्राइब पे क्लिक करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि कोई भी नीट के रिलेटेड अपडेट्स हो, काउंसलिंग के रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आपको मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वेस्ट बंगाल में क्या है, 5 मेडिकल कॉलेज को एमसीआई ने एग्रीमेंट दे दिया है उसको स्टार्ट करने के लिए, जिसमें 4 एमबीबीएस कॉलेज गवर्नमेंट है और एक प्राइवेट है, और टोटल 5 उसमें मिलाकर 650 एमबीबीएस का सीट इंक्रीज कर गया है। एमसीआई ने, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने लगभग सारे स्टेट में सीट्स का रिन्यूअल किया है, मतलब कॉलेज का रिन्यूअल किया है, और इस कॉलेज का रिन्यूअल की वजह से तकरीबन पूरे स्टेट में 6500 से ज्यादा एमबीबीएस सीट्स का इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है। इसकी वजह से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है कि आपका जो कट ऑफ रहेगा एमबीबीएस का वो बैलेंस रहेगा, और ये रिन्यूअल आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। बात करते हैं कि 15% ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग बारे में बात करते हैं कि इसका कट ऑफ एमबीबीएस का कट ऑफ कितना जाने वाला है, तो तकरीबन 555 नंबर के आसपास जाने वाला है, 555 मार्क्स एमबीबीएस कट ऑफ फर्स्ट राउंड में जाएगा ऑल इंडिया। मैं स्टेट कोटा का बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेट कोटा इससे डाउन जाएगा। सबसे काउंसलिंग जो फर्स्ट काउंसलिंग फर्स्ट राउंड का जो होता है 15%, उसमें 555 मार्क्स के आसपास जाने वाला है। अगला बात करते हैं काउंसलिंग कब होगा, तो सबसे पहले बता दूं कि एमबीबीएस का 15% का काउंसलिंग आपको सेकेंड वीक ऑफ जून में होगा। फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आने वाला है 5 जून को, और सेकेंड वीक से स्टार्ट हो जाएगा 15% काउंसलिंग। ये 15% काउंसलिंग आपको कैसे करना है, कैसे फिलअप करना है, मैं बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी अपडेट से मैं आपको देता रहूं। तो सेकेंड वीक में काउंसलिंग आएगा। अगले बात करते हैं कि आपको ये ईडब्ल्यूएस का जो कैटेगरी का जो हो, आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप कर रहे होंगे उसमें इसका कोई भी मेंशन नहीं था, इसको आपका प्रॉपर एक अलग ऑप्शन दिया जाएगा ईडब्ल्यूएस के लिए, इस ईडब्ल्यूएस को आपको मेंशन करना है, अपने काउंसिल जो कराइएगा उसमें मेंशन करना है। करते हैं कि आखिर ये आंसर की पे जो चैलेंज आपने किया था, ओएमआर पे चैलेंज किया था, इसका आखिर ये इसका डिक्लेरेशन कब आएगा, तो मैं बता दूं कि अभी फिलहाल एनटीए ने कोई इसका अपडेट्स नहीं किया है, जैसे ही अपडेट्स करता है मैं आपको जरूर बता दूंगा। बता दूं कि ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट जिन स्टूडेंट को उठाना है उनको प्रॉपर उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का नहीं है तो प्रॉपर आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लें। ये कहां बनता है आप अपने पेरेंट्स से संपर्क करें, उनसे पूछ लें कहां बनता है, और प्रॉपर आज बनवाकर आप रख लें, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, और जो कि नीट का काउंसलिंग एडमिशन होने लगेगा उस बीच में अगर आप अगर बनवाने जाते हैं तो शायद आपके लिए परेशानी भी होने लगे। तो प्रॉपर है कि आज कल में ही आप जाकर प्रॉपर आप आवेदन दे दें, आप एप्लीकेशन दे दें, ताकि आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपका बन जाए। फ्रेंड्स, आज के इतना ही। ये जो अपडेट्स है, 4-5 अपडेट्स मैंने आपको दे दिया। अगर आप चाहते हैं कि नीट के रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आपको मिलता है, मैं आपको देता रहता हूं। अगर जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं तुरंत देता हूं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर द वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।